अगरबत्ती भी बनाते हैं लोग फूलों से, पत्तों से ज्यादा इस पे फूल खिले हुए हैं और खिलने वाले भी है। चलिए शुरू करते हैं गार्डनिंग पॉइंट डीएस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। इस पौधे को तो आप जानते होंगे, ये खुशबू से भरपूर पौधा है। यह मोगरे का फ्लावर, इसकी गर्मियों में देखो कितनी हैवी ब्लूमिंग है। ये पूरे ब्रांच आप देख सकते हो, पत्तों से ज्यादा इस पे फूल खिले हुए हैं और खिलने वाले भी है। इसकी बार बार फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ दोस्तों के सवाल आए थे कि इसमें बार बार फ्लावरिंग नहीं आती, उसकी कई कमी हो जाती है। एक तो आप प्रॉपर टाइम पर इसकी प्रूनिंग ना की हो, दूसरा इसमें खाद की मात्रा कम रह गई, क्योंकि हैवी फ्लावर रहा तो खाद भी उतना हैवी चाहिए। तीसरा क्या, जैसे फूल मुरझाते हैं तो हम इनको नहीं कट करते, तो पहला काम तो जैसे फूल मुरझा जाए इनको कट कर ले। देखो ये लगभग मुरझाने वाले अपने आप भी गिर जाते हैं। वैसे तो ये कोई हैवी फ्लावरिंग नहीं है, ज्यादा बड़ा फ्लावर होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये रिमूव करने पड़ेंगे। जितनी सूखी ब्रांच दिखे वो भी रिमूव कर दे। और इसकी पूरी वीडियो अगर आपने देखनी हो, मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, पूरी किस मिट्टी सोल में ये लगाया था, इसमें खाद दिया था। उसके बाद जो काम करना होता है 20 दिन बाद खुदाई कर दे, खुदाई बिल्कुल गहरी करे। तो खुदाई से क्या होगा, इसकी मिट्टी नरम होगी और इसके पत्ते जो टूटे तो इसी में घेर दो। खाद तो मैंने अपने पहले वीडियो में दे रखा, सेकंड खाद इसमें आपने जो चावल धोते हो या चावल बनाते हो, बनाने से पहले इसको धो के उसका पानी इसमें डालो तो ये बहुत उसके लिए फायदेमंद है। और गोबर की खाद, लेकिन जैसे कि आप पता है बारिश का सीजन चला हुआ, इस टाइम इसमें सरसों खली मत डालना, नहीं तो क्या फंगस लग जाएगी। और इतनी फ्लावरिंग का राज आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो हर ब्रांच ब्लूम हो रही है। यहाँ से क्या, ये दो तीन ब्रांच निकल गई, अरे सारी ब्लूमिंग कर रही है। देखो निचली ब्रांच पे इतनी ब्लूमिंग नहीं है, ये प्रूनिंग कर रखे, जहां भी नई ब्रांच आई है वही आप कहीं भी देखो जितनी भी फ्लावरिंग है इसकी नई ब्रांच पे ज्यादा आती है, तो वो प्रूनिंग नहीं करते। प्रूनिंग करने का सही समय इसका 1 फरवरी मार्च में, तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने करनी है तो लाइट प्रूनिंग करना, हैवी प्रूनिंग करोगे तो उसके बाद फिर क्या है कि वो सीजन तक ब्रांच नहीं प्योर अपने प्योर ब्रांच नहीं बन पाती, जिस कारण वह फ्लावरिंग नहीं करता। और इसको फुल सनराइज पसंद है, आप देख भी सकते हो। और इसकी फ्लावरिंग और खुशबू इतनी अच्छी है, मोगरा की धूप हम स्पेशल घर में लेके भी आते हैं तो ये उतनी ही खुशबू देगा। अगर इसके एक फूल को तोड़ कर कटोरी के अंदर आप अपने घर में रख लोगे तो पूरे घर में खुशबू कर देगा ये फ्लावर। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो लगा ले। अगर वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।